चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो 5G अनलिमिटेड डाटा के बारे में। कैसे आप अपने मोबाइल में भाई, कैसे आप अपनी सिम में, जो आपकी पुरानी सिम है 4G की, उसमें कैसे आप 5G डाटा को एक्टिवेट कर सकते हैं और अनलिमिटेड डाटा कैसे चला सकते हैं। मतलब यहाँ पर जियो, एयरटेल और वोडाफोन तीनों के तीनों भाई अनलिमिटेड डाटा जो है 5G यूज़ करने की आपको ऑफर दे रहे हैं। और वो ऑफर आपको कैसे यूज़ करना है, मतलब कैसे आपको अनलिमिटेड 5G डाटा यूज़ करना है अपने मोबाइल पर, तो वो सारी सेटिंग आपको बताऊंगा। क्योंकि भाई सभी कंपनियां जो है महीने का आपको 300 GB तक का डाटा आपको फ्री दे रही है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं करवाना है और यहाँ पर आप भाई अनलिमिटेड 5G डाटा यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, मोबाइल मूवी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको 300 GB डाटा यूज करने तक आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो वो सारी सेटिंग कैसे करनी है, कैसे आपको अपने फोन में 5G डाटा एक्टिवेट करना है, वो सारी सेटिंग बताऊंगा इस वीडियो में। तो उसके लिए आपकी सिम में भाई एक रिचार्ज होना चाहिए कम से कम 239 का, जो एक्टिव होना चाहिए। और दूसरा आपका जो एरिया है वहां पर आपको 5G नेटवर्क होने चाहिए। और तीसरा आपका मोबाइल जो है 5G नेटवर्क जो है सपोर्टेड होना चाहिए, मतलब 5G सपोर्टेड आपका मोबाइल होना चाहिए। तो तीनों आपको कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी है, उसके बाद आप जो है 5G डाटा अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। तो देखिए, आपको 4 से 5 सेटिंग बताऊंगा, 2-3 सेटिंग आपको जो है एप्लीकेशन की बताऊंगा जियो की, और 2-3 सेटिंग आपको मोबाइल की बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो है मैं आपको जियो की एप्लीकेशन पर जाकर दिखाता हूं, जो जो स्टेप आपको बताऊंगा वो सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। बाद में ये मत कहना कि मुझे मेरे फोन में एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको आना अपने जियो की एप्लीकेशन पर। यहां पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आगे की सेटिंग बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो देखो, आपको यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको एप्लीकेशन पर आना है। एप्लीकेशन पर आने के बाद आपको अपने सेम नंबर से, जो आपके जियो का नंबर है, उससे लॉग इन कर लेना है। ओटीपी आएगा तो आपकी एप्लीकेशन यहां पर लॉग इन हो जाएगी। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहां पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको मोबाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर इस पर क्लिक कर देना है। और यहां पर आपको सर्च वाला आइकन मिलेगा, तो यहां पर आपको सर्च कर देना। देखिए, यहां पर मेरे पास एक प्लान है, यहां पर 239 रुपए का। तो आपको ऐसे ही एक प्लान यहां पर लेके रखना है। उसके बाद आपको यहां पर सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और इस पर आपको यहां पर जो है यहां पर टाइप करना है भाई ट्रू 5G नेट, यहां पर ऐसे इस तरह लिखना है और ट्रू 5G लिख देना है। ट्रू 5G लिख देने के बाद आपको यहां पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको इस पर जाना है भाई, चेक 5G रेडीनेस। इस पर जाने के बाद देखिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए, यहां पर जो है आपका ये फोन चेक करेगा आपका कंपेटेबल है या नहीं। देखिए, स्टे ट्यून, यू विल बी इन्फॉर्म वंस जियो ऑफर इज अप्लाइड, काइंडली इंश्योर दैट यू हैव 5G कंपेटेबल डिवाइस। मतलब पहले ही हमारा डिवाइस चेक करेगा। उसके लिए क्या करना है भाई, उसके लिए हमें जाना है यहां पर, ये सेटिंग करनी है। जैसे ही आप यहां पर आओगे तो आपका फोन जो है अगर 5G होगा तो आपका सब कुछ ले लेगा जिसने यहां पर एक्टिवेट कर रखा है। तो मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूं आपको अब क्या करना है भाई। देखिए, यहां पर आपको एप्लीकेशन से ही कर सकते हैं आप। यहां पर देखिए, डिवाइस कंपैटिबिलिटी, यहां पर आने के बाद देखिए, इसने दे दिया कांग्रेचुलेशन, योर डिवाइस इज जियो ट्रू 5G रेडी। मतलब मेरा फोन यहां पर जो है जियो सपोर्टेड है, मतलब 5G नेटवर्क सपोर्टेड है। तो ऐसे ही आपके सामने भी इंटरफेस आएगा। तो ये तो हो गई भाई फोन की सेटिंग, ये आपको कर लेनी है। तो यहां पर आपके सारे स्टेप फुलफिल हो जाएंगे। अब आपको फोन की मेन सेटिंग में आना है, जो मोबाइल की मेन सेटिंग होती है। मोबाइल की मेन सेटिंग में आने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कनेक्शन का, किसी के मोबाइल में होता है भाई मोबाइल नेटवर्क का, किसी के में होता है सिम मैनेजर का, कुछ भी होता है। तो बेसिकली आपको जाना है भाई मोबाइल नेटवर्क पर। हम यहां पर आते हैं। यहां पर आने के बाद देखिए, ये आ गया भाई मोबाइल नेटवर्क। तो हमें इस पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा भाई डाटा रोमिंग का, आपको कहीं भी मिल सकता है। तो आपको बेसिकली ये सर्च करना है मोबाइल नेटवर्क्स, तो इसको आपको अनेबल कर देना है जब तक आपका 5G नेटवर्क यहाँ पर रेडी नहीं होता है, मतलब एक्टिवेट नहीं होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है भाई, ये देखिए, नेटवर्क मोड सिम वन, मतलब सिम वन में आपको अपनी जो है मतलब स्लोट वन में आपको सिम डालनी है अपनी। और यहाँ पर आपको सर्च ये सेट करना है, देखिए 5G LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट, आपको ये वाला ऑप्शन यहां पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, मतलब APN, इस पर क्लिक करना है। यहां पर 3 डॉट मिलेंगे आपको ऊपर, यहां पर आपको रीसेट टू डिफॉल्ट कर देना है। जैसे ही आपको रीसेट करेंगे तो आपका यहां पर जो है नया APN एक्टिवेट हो जाएगा, जो 5G APN होगा। तो यहां पर करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा भाई नेटवर्क ऑपरेटर का, यहां पर आपको सेलेक्ट ऑटोमेटिकली करके रखना है। तो ये सेटिंग आपको अपने मोबाइल में कर देनी है। तो ये सेटिंग करने के बाद ऑलमोस्ट आपका पूरा प्रोसीजर जो है फुलफिल हो चुका है। अब आपका 5G नेटवर्क चल जाएगा। अगर आप ऐसे एरिया में होंगे जहां पर 5G नेटवर्क आ रहा होगा, तो आपके फोन में यहां पर ऊपर जो 4G आ रहा है, यहां पर 5G आपको शो होने लग जाएगा। अगर नहीं होता है तो वापस से एप्लीकेशन पर आना है और यहां पर आना है दूसरे वाले पर, चेक रेडीनेस वाले पर। इस पर आने के बाद यहां पर चेकिंग करेगा इस तरह से। तो इस तरह से चेकिंग करेगा, जैसे ही कुछ टाइम लेगा, या आपका 2 से 3-4 मिनट लेगा, तो उसके बाद यहां पर ये ऑप्शन सारे आपके फुलफिल हो जाएंगे। देखिए, हैंडसेट 5G कंपैटिबिलिटी, हैंडसेट सॉफ्टवेयर वर्जन, हैंडसेट 5G सेटिंग, ये सारे आपके फुलफिल हो जाएंगे। तो आपको जो है उसके बाद यहां पर देखिए, ये आ जाएगा कांग्रेचुलेशन अनलिमिटेड 5G डाटा नो एडिशनल कॉस्ट। मतलब आपका यहां पर 5G डाटा एक्टिवेट हो चुका है, यहां पर ऊपर 5G आ जाएगा। एक बार आपको अपना फोन रीस्टार्ट करना है तो ये सेटिंग आपकी अनेबल हो जाएगी। तो यही सेटिंग थी भाई। इस तरह से आप अपने जियो के नंबर में किसी भी फोन में
में आप अपना 5G नेटवर्क चला सकते हैं। बस आपका फोन जो है 5G होना चाहिए तो आपका यहाँ पर जो है सुविधा एक्टिवेट हो जाएगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, सेटिंग अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।